महाराष्ट्र में कोरोना वायरस रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। राज्य में एक और लॉकडाउन की बात की जा रही है। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन चरण दर चरण सख्त प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा, केरल, गुजरात और दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में इन राज्यों की अपेक्षा कोरोना विकास दर बहुत कम है। कोरोना की एक और लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन हर संभव सावधानी बरत रही है। राज्य ने कोरोना टेस्ट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभिन्न स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर और कोविड अस्पतालों को बेड सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और दवाओं के भंडार को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। राजेश टोपे ने स्पष्ट किया कि प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, साफ सफाई रखने सहित आदि सावधानी जरूरी है। फिर भी इन सुझावों को जनता द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। दिवाली उत्सव के दौरान बाजारों में भीड़ सभी ने देखी। सार्वजनिक स्थानों, सड़क जगहों पर भीड़ हो रही थी। लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने में लापरवाही बरत रहे। यदि लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो चरण दर चरण फिर से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में भीड़ करने वाले, मास्क नहीं पहनने वालों पर, रात में घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि राजेश टोपे ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, क्योंकि राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि समाचार पत्र विक्रेता, दुकानदार, दूध विक्रेता आदि जो सुपर स्प्रेडर समूह में आते हैं, इन सभी की जांच की जाएगी। जिला कलेक्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता आधार पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। राजेश टोपे ने यह भी कहा कि यदि एंटीजन टेस्ट नकारात्मक आता है और संबंधित व्यक्ति में फिर भी लक्षण दिखाई देता है तो उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा।